हेलो दोस्तों, तो चलिए हम आज की वीडियो में जानेंगे आप ग्राम पंचायत सहायक का फॉर्म कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कुछ लोगों को ये फॉर्म नहीं मिल पा रहा है तो वीडियो में कमेंट कर रहे हैं कि कैसे डाउनलोड करें, तो चलिए आज की वीडियो में हम जानेंगे ये फॉर्म कैसे डाउनलोड करें। ये फॉर्म ही नहीं, आप पूरे ज़िले वाइज आप उसका लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं कि किस ज़िले में वैकेंसी आई है यहाँ से। तो आपको सिंपल क्या करना है, 2 मिनट लगेगा, बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। तो चलिए हम बताते हैं आप कैसे डाउनलोड करेंगे। तो देखिए आपको क्या करना है, अब आ जाना है यहाँ पे क्रोम में, ठीक। यहाँ जाने के बाद आपको टाइप कर देना है sarkarirezult.com, मतलब सरकारी रिजल्ट लिख देंगे उतना से काम चल जाएगा, जैसे कि हमने लिखा है। अब आपको इसे टैप करके ओपन कर देना है, इसे टैप कर देंगे ओपन कर देंगे। जैसे ओपन करेंगे तो सरकारी रिजल्ट का ऑफिशियल वेबसाइट आ गया है, इसे एक बार टैप करके ओपन कर देंगे। या नहीं टैप करके ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ देखिए लिखा है लेटेस्ट जॉब, इसे ही आप दोनों तरीके से ओपन कर सकते हैं, लेकिन हम बेहतर जानेंगे कि इसकी वेबसाइट पर ही जाके, जैसे सरकारी रिजल्ट है इसे टैप करके ओपन कर देंगे और इसे आप जूम कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शन देख रहा है, रिजल्ट, एडमिट कार्ड और लेटेस्ट जॉब। आपको लेटेस्ट जॉब वाला ऑप्शन पे ओपन करके और थोड़ा जूम कर देना है। तो यहाँ पे जूम करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन डिस्प्ले आ रहा है, यूपी पंचायत सहायक DEO रिक्वायरमेंट, मतलब यूपी पंचायत सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर रिक्वायरमेंट है। DEO का मतलब है डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसे ही टैप करके आपको ओपन कर लेना है। जैसे टैप करेंगे तो ऐसा इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं फी, कितना फी लगा है, 1 भी रुपया नहीं लग रहा है, ठीक। उम्र देख सकते हैं 18 से लेकर 40 वर्ष तक है, पद कितना है, 3544 पद है। ऐसे ही करेंगे और आपको यहाँ से उसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो ऊपर करेंगे और यहाँ पे देख लीजिए 2 ऑप्शन है, यहाँ से आप डाउनलोड फार्म, तो डाउनलोड फार्म करेंगे तो सिर्फ आपका फार्म जो है वो डाउनलोड होगा। अगर मान लीजिए पूरा नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइड, तो इस पर क्लिक करेंगे। जब इस पर क्लिक करेंगे तो पूरा डिस्ट्रिक्ट वाइड ही डाउनलोड हो जाएगा जो आपको। तो चलिए हम एक डाउनलोड करके आपको दिखा देते हैं, जैसे फार्म डाउनलोड करना है तो यहाँ पर करेंगे क्लिक। तो जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पूछ रहा है फार्म डाउनलोड करने के लिए, और यहाँ फार्म डाउनलोड होकर आ गया। अब इसे आप प्रिंट आउट करके अपना फार्म भर कर प्रधान जी के पास जहाँ मन के वहाँ जमा कर सकते हैं। और नहीं जानते हैं कि फार्म कैसा भरा जाएगा तो हमारे यूट्यूब चैनल पर ये वीडियो है, उसे देख कर भर सकते हैं और पूरा सही सही उसमें बताया गया है कि कहाँ क्या भरना है, तो वहाँ से जाकर वीडियो देखकर फॉर्म भर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मान लीजिए आप पूरा नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके पूरा नोटिफिकेशन ही डाउनलोड कर सकते हैं।